हाय, कैसे आप सब? आर्य टीचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या, आप लोगों के बीच NCERT क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसमें आप पिछले वीडियोज में मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन किया था। अभी आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी LCM और HCF दिए हुए नंबर्स का निकालिए, किसको यूज करके? बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके गिवन नंबर्स का HCF और LCM निकालिए। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियोस में दिया था, आप उसको वॉच कर सकते हैं। आइए तो हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से इसका LCM और HCF निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा है वो है 12, 15 और 21। तो फ्रॉम मेथड वी गेट, प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो पहला हमारा नंबर है 12, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3। आप इसको यहां पे चेक करें, 12 क्या 2 से डिवाइड 6 होगा। ठीक है, 12 2 से डिवाइड हुआ तो 6, फिर ये 2 से डिवाइड हुआ तो 3, ये हाँ प्राइम नंबर आ गया, यानी कब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो क्या होगा इसका? 2 × 2 × 3। चलिए नेक्स्ट, तो पहला नंबर ये प्राइम फैक्टराइज हो चुका है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर × 3। ठीक है, दूसरा नंबर देखें 15, तो 15 की तो जो बात ही नहीं है, तो सिंपल है, 3 से पहला डेरिवेटिव इसका और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टराइज हो गया, इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 15 3 से डिवाइड बाय 5, ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अगली नंबर हमारा है 21, 21 ऑड नंबर है ये भी, तो ये 2 से होगा नहीं 3 से, तो 3 से 3 × 7 = 21, तो 3 और 7 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स है, तो क्या हो गया? 3 से डिवाइड किया इसको, 7 प्राप्त हुआ, 3 × 7 ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज हो गया, यानी कि क्या हुआ? 21 3 से डिवाइड हुआ, 7 ऑलरेडी यहाँ प्राइम आ गया, यानी कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पहले क्वेश्चन में जो हमारे तीनों नंबर्स जो दिए हुए थे, सभी का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। पहले की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आई है? 2 स्क्वायर × 3, दूसरे की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5 और तीसरे की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 7। हम लोग क्या करना है? अब दोनों का LCM और HCF निकालना है। तो आइए पहले LCM देख लें इसका, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम लोग LCM में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राप्त इस प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विथ कंसिडरिंग हायर पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, प्रत्येक नंबर यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है? यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ 2, तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, कोई कॉमन नहीं, लगातार सब मल्टीप्लाई होता जाएगा। यहाँ पे यहाँ 3 कॉमन है, तो 3 का यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 3 का 1, तो आइए क्या होता जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो 3 का है ना, तो पहला हमारा क्या हो गया? 2 का स्क्वायर × 3, तो 3 सब में कॉमन है और मैक्सिमम पावर कितना कॉमन है? 1, तो 3 का पावर 1 यानी 3 × अब जो 5 है वो कॉमन नहीं है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 7 भी कॉमन नहीं है ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये सब क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा ये? 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 × 5 × 7, क्या होगा ये? 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 7 = 7, 6 जा
42 यानी कि 420। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो LCM आया इस तीनों नंबर्स का क्या आया 420। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका LCM निकाल लेंगे। अब इसका HCF देखें, चलिए तो HCF में हम लोग क्या करते हैं, केवल कॉमन प्राइम को ही लेते हैं, ठीक है। जो तीन, अगर ये तीन नंबर्स यहाँ पर गिवन है, थ्री नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन होना, उस कॉमन का जो मैक्सिमम कॉमन क्या है, उस कॉमन में मैक्सिमम कॉमन पावर क्या है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे टू इसमें है प्राइम फैक्टर, पहले वाले में टू है, इसमें नहीं है, इसमें यानी टू जो है कॉमन नहीं है। थ्री इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, थ्री इसमें, दोनों तीनों में थ्री है, तो थ्री कॉमन हो गया। चलिए थ्री और थ्री का मैक्सिमम कॉमन पावर क्या है, इसमें भी मैक्सिमम कॉमन पावर वन है, इसमें भी वन है, यानी थ्री की पावर वन यानी कि थ्री। तो HCF क्या हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। HCF में हम लोग केवल क्या लेते हैं, कॉमन प्राइम लेते हैं, जो जितने सारे नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स में, उस सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम है, जो सब में शामिल प्राइम है, प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर को लेते हैं, और उस प्राइम नंबर में भी जो मैक्सिमम कॉमन पावर, यानी जो कॉमन है उसका मैक्सिमम कॉमन पावर क्या है, यानी अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर सब में है तो 2 स्क्वायर कॉमन हो गया, और किसी में 2 का स्क्वायर है, किसी में 2 का पावर 3 है, किसी में 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर स्क्वायर जो है वो 2 के पावर 3 में भी शामिल है, 2 के पावर 4 में भी शामिल है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या हो गया, 2 का स्क्वायर है ना, यानी 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग HCF में मैक्सिमम पावर लेते हैं, कॉमन का केवल कॉमन लेते हैं, और कॉमन में भी मैक्सिमम कॉमन पावर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, LCM इसका कितना है 420 और HCF आ गया 3। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तो इसके पहले इसको हम लोग इरेज कर लें, अब चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, इसमें भी थ्री नंबर्स है, 17, 23 एंड 29। इसमें भी तीन नंबर गिवन है, 17, 23, 29। अच्छा आप ये नंबर्स देख के आप ये कर सकते हैं क्या, ये प्राइम नंबर ही है, 17 क्या है प्राइम नंबर ही है, 23 क्या है प्राइम नंबर ही है, 29 क्या है प्राइम नंबर ही है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि ये जो नंबर है ये केवल वन और इटसेल्फ से डिविजिबल है। हमने इस एक्सरसाइज 1.2 के सबसे पहले वीडियोस में हमने फंडामेंटल्स नंबर अरिथमेटिक जो का कंसेप्ट जो बताया था, उसमें हमने बताया था कि कंपोज नंबर क्या होती है और प्राइम नंबर क्या होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका LCM और HCF क्या होगा। फ्रॉम अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम देखें तो 17 क्या होगा, ऑलरेडी प्राइम है तो इसका तो और किसी से डिविजिबल होगा नहीं, 1 से और खुद से होगा, 1 × 17 मैक्सिमम लिख सकते हैं इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो। 23 भी खुद प्राइम नंबर है, इसको भी हम लोग फर्दर प्राइम फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, इसको भी कर सकते हैं 1 × 23 होगा और किसी से डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है। 29 भी ये प्राइम नंबर है तो ये भी किसी से डिविजिबल नहीं होगा, इसको भी हम क्या लिखेंगे 1 × 29, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर्स केवल और केवल वन और इटसेल्फ यानी खुद से जो है वो डिविजिबल होता है।
चलिए अब इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएल देखे हैं, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या करेंगे सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कॉमन है 1 × 17 × 23 × 29, अब ये मल्टीप्लाई होके जो भी आएगा वो उसका रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है, वही आपका रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब इसका एचसीएम देखे हैं, एचसीएफ देखे तो एचसीएफ में हमको क्या ढूंढना है, केवल कॉमन प्राइम नंबर, तो कॉमन प्राइम नंबर क्या है इसमें, ये तीनों में कोई कॉमन नहीं है, ये केवल सब में 1 1 1 कॉमन है, 1 का मैक्सिमम पावर कितना कॉमन है 1 ही, यानी 1। एचसीएफ में क्या लेते हैं केवल कॉमन प्राइम लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में से केवल कॉमन प्राइम्स को ही लेते हैं, उसमें भी उस जो कॉमन प्राइम है उसका मैक्सिमम पावर कॉमन क्या है। चलिए तो 1 हो गया, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा, और हमारा एचसीएफ कितना हो गया 1, ठीक है आप समझ गए होंगे, काफी आसान है ठीक है। चलिए तो अगली क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है 8 9 एंड 25। चलिए तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट क्या, पहला 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ प्राइम आ गया यानी कंप्लीट प्राइम फैक्टराइज हो गया, तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का पावर 3, ठीक है 2 का पावर 3। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है 9, तो 9 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 3 का पावर 2, क्लियर 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 प्राइम क्या आ गया 3, यहाँ प्राइम नंबर आ गया नहीं कंप्लीट प्राइम फैक्टराइज हो गया, तो 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। अगली क्या है 25 यानी कि 5 × 5 है ना, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर है ना, 25 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पहला प्राइम ये 2 से तो लगेगा नहीं, इसमें 3 से लगेगा नहीं, इसमें चूंकि ये लार्जेस्ट 5 है ठीक है, तो ये 5 से लगेगा तो 5 × 5 = 25, तो 5 का प्राइम क्या होगा 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको इस तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो आइए पहले एलसीएम देख ले इसका, एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं जो नंबर्स है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाली प्राइम्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं और जो कॉमन प्राइम्स होती हैं उसका मैक्सिमम पावर लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पे तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो सभी आपस में मल्टीप्लाई होती जाएंगी, 2 का पावर 3 × 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर यानी ये क्या हो गया 2 का पावर 3 यानी 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 2 2 = 4 2 = 8 और 3 का स्क्वायर यानी 3 2 टाइम्स यानी 3 3 = 9 और 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ यानी 5 × 5 = 25, ये कितना हो गया 25 8 = 200 और 200
इंटू नाइन 1800 क्या आ गया 1800। ठीक है, तो एलसीएम तो निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग एचसीएफ देखें। एचसीएफ अब एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, तीनों में तो प्राइम कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो क्या हो जाएगा तीनों में, एचसीएफ में तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा देखें इसका। तो 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो सब में कॉमन क्या हो गया, यहाँ पे तीनों में कॉमन नहीं कुछ है तो 1 तो सब में कॉमन है। चलिए तो 1 लिख सकते हैं, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग एचसीएफ में क्या लेते हैं, मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कॉमन केवल कॉमन ही लेते हैं और कॉमन में मैक्सिमम कॉमन, तो भाई केवल 1 सब में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगी इसकी 1। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सब में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।